वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। आई एम योर साइंस टीचर श्वेता तिवारी। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द थिंग्स रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो अवर थिंग्स इज क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। एक्टिविटी इज टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मीन्स इसमें आपको बताना है, शो करना है, एक एक्टिविटी करना है, आपको बताना है कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। द लीव्स ऑफ अ क्रोटन एंड कॉलियस आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली नॉन ग्रीन सर लीव्स आर कॉल्ड वेरिएटेड लीव्स। अब आपको इसमें क्या करना है, दो ऐसी अलग अलग टाइप की लीव्स लेनी है, अलग अलग तरह की लेना है, जो क्रोटन है और कॉलियस। प्लक अ वेरिएटेड लीव फ्रॉम अ प्लांट, और क्या करना है, उसे तोड़ना है। क्रोटन मतलब जो हल्की सी चमकीली होती है उसे बोलते हैं क्रोटन। कॉलियस, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट एंड होल्ड द लीफ अगेंस्ट द सोर्स ऑफ लाइट व्हाट यू डू ऑब्जर्व। और आपको क्या करना है, उसमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और उसे लाइट पे रखना है और उसका ऑब्जर्व करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको दो लीव्स लेना है, एक लीव जो पूरी तरह से प्योरली ग्रीन एंड सेकेंड लीव आपको वो लेना है जो पूरी तरह से ग्रीन ना हो गया, हल्की सी लाइट येलोइश होगी। ऐसी दो लीव लेना है आपको। इसमें आपको क्या करना है, एक को लाइट में रखना है, एक को अंधेरे में रखना है, मीन्स डार्क में रखना है। इसमें आपको क्या डालना है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। कौन सा सॉल्यूशन डालना है आपको, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे दोनों पे, आपको एक को लाइट में रखना है, एक को डार्क में रखना है। कुछ दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो लीव्स रहती है जो लाइट में रहती है वो प्रॉपर अच्छे से रहती है, लेकिन जो डार्क में रहती है उसे लाइट नहीं मिल पाता है, वो लीव्स कैसी हो जाती है और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इससे आप पता लगा लेंगे कि इनमें आयोडीन मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये इम्पोर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नाउ कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। यू नो डेट प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिस जो काय काय से मिलकर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिससे क्या कंप्लीट होता है, कार्बोहाइड्रेट। बट प्लांट्स आल्सो नीड नाइट्रोजन, पर जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। दे टेक इन नाइट्रोजन टू सिंथेसिस प्रोटीन्स। टफ इज एब्यूटेन, नाइट्रोजन इन एयर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय प्लांट। लेकिन जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सो हाउ डू प्लांट गेट नाइट्रोजन टू मेक न्यूट्रिएंट्स। तो वो कैसे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करेंगे उस नाइट्रोजन को लेके। व्हेन अ काइंड ऑफ क्रॉप इज ग्रो इन द फील्ड, जब हम लोग फील्ड में किसी खेत में क्रॉप को ग्रो करते हैं, द सॉइल बिकम डिप्राइव टू सर्टेन न्यूट्रल मिनरल्स। तो उसमें क्या क्या न्यूट्रल्स और मिनरल्स, हम बहुत सारे न्यूट्रल्स और मिनरल्स देते हैं, मतलब कुछ बहुत सारे खाद डालते हैं, अनेक प्रकार के हम उसकी प्रिकॉशंस करते हैं ताकि उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल आर कैपेबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन कैपेबल कराने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन कैन बी एडेड थ्रू फर्टिलाइजर विच इज देन रेडली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और जो नाइट्रोजन होती है वो क्या करती है, प्लांट्स को अच्छे से फर्टिलाइज करती है, विच इज देन रेडियली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हाइड्रोट्रॉपिक मोड्स न्यूट्रिशन
हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. अब हेटरोट्रॉपिक मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है. एनिमल्स एंड मेनी नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं मतलब जो हरे प्लांट्स नहीं होते हैं, डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड. वो किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. इसके लिए खाने के लिए. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट हेटरोट्रॉपिक प्लांट. और इस चैप्टर के अंदर हम यही स्टडी करेंगे कि हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स क्या है. यू विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. अब आता है हमारा पैरासाइट. पैरासाइट मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था? नहीं बताया. पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और वो किस पे डिपेंड रहते हैं? दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं. पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर. पैरासाइट्स वो होते हैं जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं. द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू अ पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट. जिन्हें क्या बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इन्हें खाना और शेल्टर मतलब रहने के लिए घर प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन पैरासाइट को होस्ट बोलते हैं. द पैरासाइट ग्रो और ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड ड्राइव्स द न्यूट्रिशन. और जो पैरासाइट होती है वो कहाँ ग्रो करते हैं? इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं. ऑफ द होस्ट एंड डिराइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. और जो होस्ट होते हैं वो उसके थ्रू वो होस्ट न्यूट्रिशन लेते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कसकटा, अमरबेल. अमरबेल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा. अमरबेल क्या होती है? अमरबेल वह बेल है जो कभी भी खुद खाना नहीं बनाती, हमेशा दूसरे प्लांट्स पर ही डिपेंड रहती. हमेशा कोई भी एक, सपोज मान लो कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है उसके ऊपर यदि एक बार अमरबेल लग जाए तो वो प्लांट्स की आसानी से नहीं निकल सकती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सॉरी इट अ पैरासाइट प्लांट, इट हैज रूट लाइक स्ट्रक्चर डेट सक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. और जो इट हैज रूट, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है एकदम जड़ टाइप का होता है, रूट टाइप का होता है, द सक फूड, और क्या करती है? खाने को चूसती है फ्रॉम द होस्ट प्लांट. जो प्लांट इसे प्रोवाइड करवाते हैं उसे बोलते हैं होस्ट. तो उनसे ये अपना रस चूसती रहती है. आगे आप लोगों को समझ में? ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.